जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 4000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती जानकारी निकल के आया है और व्यापम ने जो है आदेश जारी किया, तो छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है खुशखबरी अपडेट्स हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में अनेकों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नई नई भर्ती विज्ञापन व्यापम की तरफ से जारी किए जा रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसीलिए छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छी नई नई योजनाएँ जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, ताकि एक के बाद एक आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल सके। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के छात्रवास अधीक्षक के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। 400 पदों पर आपका जो है भर्ती होने वाला है और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और एक वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जिसमें अगर आपने ITI कोपा के DCA के PGDCA के BCA के या फिर अपने कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ सरकार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी नई नई वैकेंसी जो है पेश किए जा रहे हैं, नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का तो ये कि उनका मेन लक्ष्य है छत्तीसगढ़ के हर एक बेरोजगारी स्टूडेंट को जो है रोज़गार देना और उनके सपने को पूरा करना। इसी वजह से हम सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण नए नए काम जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा है और नए नए अवसर आप लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं और 46,000 पदों पर जो भर्ती होगा और उसके लिए जो है रोजगार मेले का स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां आप लोगों को जॉब मिल सकता है। यदि आपने 10th पास किया, 12th ग्रेजुएशन, आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स है, फिर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं और आप लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से जो है बहुत ही अच्छे काम जो है किया जा रहा है, ताकि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को जो है रोज़गार दे सके, हर एक स्टूडेंट को जो है जॉब मिल सके। इसीलिए आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज नए नए भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जो है जारी किए जा रहे हैं, ताकि आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो है बेरोजगार ना रहे, ताकि आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो है बेरोजगारी के दौर से ना गुजरे। इसी वजह से हम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है काम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है 4000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट निकल कर आया है और ये पोस्ट की अगर हम बात करें तो अभी इस वर्ष आपके जो है कवर्धा और जांजगीर चांपा में 1792 पदों पर जो है जो कॉलेजों में है, मेडिकल कॉलेजों में जो है महत्वपूर्ण भर्ती निकला, जिसमें OT टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंस हैं और स्टाफ नर्स के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के हैं और इसके साथ जो है फार्मासिस्ट के हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों के लिए मनेंद्रगढ़ व दंतेवाड़ा में भी अगले साल MBBS के सीटें आएंगी, उसमें फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसीज आएंगे। तो टोटल जो है मेडिकल फील्ड में 4000 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन निकल कर आ रहा है और ये सभी भर्ती आपका जो है व्यापम के द्वारा ही लिया जाएगा। सभी भर्ती परीक्षा जो है आपके व्यापम के द्वारा ही होगा और छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को जो है रोज़गार देने का, छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को जो है फ़ायदा दिलाने का काम जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को इसका लाभ जो है देखने को मिल सके और आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो छत्तीसगढ़ सरकार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे काम जो है किया जा रहा है और आपके सभी सपनों को पूरा करना उन्हीं का जो है दायित्व है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन जो है प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि आप इसका लाभ ले सकें, आप इसका फ़ायदा ले सकें और आपको रोज़गार मिल पाए। तो आप लोग बस अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना। देखिए, कामयाबी और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कामयाबी और सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आपको उस कामयाबी उस सफलता को पाने के लिए अभी से जो है जी जान से जी तोड़ मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपको कुछ मौके तो शायद एक ही बार मिलते हैं। अगर आपने उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया तो शायद आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा वो मौका ना मिले। इसलिए जो है उस मौके का जो है अच्छे से यूज़ कीजिए, ताकि आपको जो है इसका बेनिफिट्स मिल सके, ताकि आपको इसका फ़ायदा जो है मिल सके और आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए जाएंगे, जिसमें सहकारिता विभाग का पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइजर के 3000 पोस्ट, 3000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती होने वाला है, जिसमें समिति प्रबंधक के अकेले 1700 पोस्ट होंगे और 2058 पोस्ट आपके जो है हर 5 समितियों में जो है एक सुपरवाइज़र का होने वाला है। तो 2000
58 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती निकल के आने वाला है, तो आप जो है बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप जो है कोशिश ही नहीं करते, आप जो है प्रयास ही नहीं करते, इसलिए हारने से अच्छा है मेहनत करके वर्क करके हारा जाए। तो इसलिए जो है मेहनत करने से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत करने से कभी भी आपको नहीं घबराना है। तो आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ रहे हैं, वैकेंसीज का दौर जारी है, तो उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपको जो है मेहनत करना। अगर आप पहले ज़रा सोचिए खुद आप, अगर आप अच्छे से मेहनत ही नहीं करेंगे, आप अच्छे से तैयारी ही नहीं करेंगे, तो आपको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा, कहाँ से आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से हो सकता है। तो जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, फुल एफर्ट के साथ, फुल प्रयास के साथ मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आप कंजूसी मत कीजिए। यदि मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे और खाली सोचेंगे कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, तो हम कहाँ से बन पाएंगे बताइए। बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए, अपने पढ़ाई पर जो है फुल एफर्ट, फुल फोकस लगाइए, तभी आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिल पाएगा, तभी आपको ज़िंदगी में सफलता सक्सेस जो है मिल पाएगा। तो इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट को मेरे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट अवश्य किया कीजिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे बातों पर ध्यान देना, मेरे बातों पर गौर करना, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समय जो आपके हाथ से एक बार निकल जाता है, शायद आपको ज़िंदगी में वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए समय के इम्पोर्टेंस को समझो, समय के महत्व को समझो। अगर आप समय का अच्छे से यूज़ करते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगा, शोहरत मिलेगा, नाम फेम, पैसा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप समय के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपके पास अभी वक्त है, संभल जाइए, वरना समय है, समय ही आपको बात कर सकता है, समय ही आपको बर्बाद कर सकता है। तो समय का अच्छे से यूज़ कीजिए। समय जो है रेत के कणों की तरह है, कब आपके हाथ से निकल जाए आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपको जो है कभी भी पीछे नहीं हटना है। जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से अपना प्यार और सब